निश्चित तौर पे जब 2024 में सरकार दिल्ली में बनाएंगे और 25 में भी बिहार में सरकार बनाएंगे और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और हमारी जो विचारधारा है वो सीधा लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग काम करने वाले लोग हैं, तो हमेशा एक ही जगह रहेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आपस में भाई हैं तो आपस में नोक झोंक होगा, लेकिन मेरा घर निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय के साथ, लालू जी के विचारधारा के साथ हमेशा रहने वाले लोग हैं। और रहा कि जो बोल रहे हैं वो, उनसे पूछे कि वो कब तक रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूँ स्वाति आपके साथ। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के राजद में शामिल होने के बाद, महागठबंधन में शामिल होने के बाद सत्ता पक्ष लगातार उन पे आरोप लगा रही है। उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर वो कब तक महागठबंधन के साथ रहेंगे। वहीं तमाम सवालों पर आज मुकेश सहनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव और 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान किया और वो क्या है आप इस वीडियो में सुनिए। निश्चित तौर पे जब 2024 में सरकार दिल्ली में बनाएंगे और 25 में भी बिहार में सरकार बनाएंगे और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और हमारी जो विचारधारा है वो सीधा लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग काम करने वाले लोग हैं, तो हमेशा एक ही जगह रहेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आपस में भाई हैं तो आपस में नोक झोंक होगा, लेकिन मेरा घर निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय के साथ, लालू जी के विचारधारा के साथ हमेशा रहने वाले लोग हैं। और रहा कि जो बोल रहे हैं वो, उनसे पूछे कि वो कब तक रहेंगे, उनको भी समय मिलेगा, देख लीजिएगा कितना जल्दी वो बदल लेंगे पाला। रहा कि हम तो पार्टी चला रहे हैं, रहा कि विचारधारा की बात है, हमारे एजेंडा की बात है, तो उसके साथ हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। बैक टू बैक रैली हो रही है, कितना फायदा होगा? नहीं, बहुत ही फायदा होगा और हम लोगों का कर्तव्य है कि अपने कर्तव्य है कि महागठबंधन में आए हैं, इंडिया ब्लॉक में आए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि पूरे राज्य में मजबूती से काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट ट्रांसफर हो और हमारी प्रत्याशी सब जगह 40 का 40 जगह मजबूती से चुनाव जीते और हमारी जो लड़ाई है निषाद को आरक्षण, जब हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो ही पूरा होगा आरक्षण। मोदी जी को तो हमने 10 साल देख लिया कि उनसे उम्मीद रखे थे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, निषाद का आरक्षण लागू कर दे, लेकिन उन्होंने तो किया नहीं। तो अभी हमारे पास एक ही विकल्प है कि इंडिया ब्लॉक में जाकर और राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। और राहुल गांधी जी का भी कहना है कि जिनकी जितनी आबादी है उनको उतना हक और अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया ब्लॉक में हमें आने वाले समय में आरक्षण मिलेगा और पूरा निषाद समाज जो अति पिछड़ा समाज है पूरे बिहार में मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा है और इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ा है। चुनाव लड़िएगा? अभी चुनाव लड़िएगा? नहीं, मेरा इस बार निर्णय हमने लिया है कि इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे लिए चुनाव लड़ना मायने नहीं रखता, हमारे लिए 40 का 40 लोकसभा सीट जीतना मायने रखता है। मैं तो आपने सुना वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को, जिन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोकसभा और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार में 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। हम मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। हम लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में काम करने वाले लोग हैं। हम यहीं रहेंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। कि हम भाई हैं तो नोक झोंक जरूर होगा, लेकिन हम यही रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से मेरे से ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर हम कब तक महागठबंधन में रहेंगे, तो जो ये सवाल कर रहे हैं आप उनसे पूछिए कि वो वहां कब तक रहेंगे, क्योंकि मौका मिलते ही वो भी वहां से निकल लेंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।